सबसे खौफनाक गवाही। मैंने वो भैया क्या दारू पीने लेने के बाद मैं किसी को नहीं पहचानता। संजय रॉय के दोस्तों ने उसकी घिनौनी करतूत बताई। सुना रेड लाइट एरिया जाता था, ये भी कहानी है? ये सर पॉसिबल एकदम। कितनी मतलब डेली? वो मतलब उसका घर द्वार था समझिए। घर द्वार था जी सर। भवानीपुर का बदनाम बॉक्सर कैसे बना हैवान? जो थी एक से ज्यादा पत्नी थी उसकी बताते हैं यहाँ पे। हाँ यहाँ पे तो सभी जानता है उसका चार पांच। लड़कियों को छेड़ना उसकी पुरानी फितरत थी। दूसरों के घर की महिलाओं पर गंदी नजर रखना उसकी पुरानी आदत थी। शराब पीने के बाद वो पूरी तरह से हैवान बन जाता था। तीन पत्नियों के साथ उसने जो किया वो सुनकर आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे। कोलकाता कांड का मुख्य आरोपी संजय रॉय भवानीपुर का रहने वाला है। जब हमारी टीम ने भवानीपुर का दौरा किया तो उसके दो दोस्तों ने उसकी ऐसी ऐसी घिनौनी करतूतें बताई कि जानकर आपका माथा घूम जाएगा। एक आदतन अपराधी क्या होता है, वो कैसी कैसी हरकतें करता है? कोलकाता में लेडी डॉक्टर के रेप मर्डर केस से पहले संजय रॉय क्या ऐसा घिनौना अपराध पहले भी कर चुका है? आज संजय रॉय के बारे में, उसके अतीत के बारे में और उसकी घिनौनी हरकतों के बारे में आप वो खौफनाक गवाही सुनिए जो किसी ने आपको नहीं बताई है। ये बताओ भाई कि ये संजय रॉय किस तरह का किरदार था? मैंने वो भैया क्या वो दारू पीने लेने के बाद मैं किसी को नहीं पहचानता था। कौन काम कौन माँ है कौन भाई ने जिसका तिसका साथ कजेरा करता था उससे हम लोग बातचीत ही बोलना बंद कर दिया। भैया काहे हम लोग काम काम से घर घर से फैमिली हम लोग का बाल बच्चा है यही चलाना खाट के खाना होगा। और उसका साथ जो मैंने पूरा कचरा बोलने से पूरा कचरा। किस तरह का कचरा मतलब क्या क्या करता था? भाई पीने के बाद माँ कौन बहन कौन कौन कहा है मैंने बोले ना टोन टिटकारी काटे ना वैसे ही करता था। सुना रेड लाइट एरिया जाता था, ये भी कहानी है? ये सर पॉसिबल एकदम। कितनी मतलब डेली? वो मतलब उसका घर द्वार था ऐसा समझिए। घर द्वार था जी सर। अच्छा तो मतलब क्या एडिक्शन था क्या उसको ये सब चीजों का? यस सर ये एडिक्शन ही था सर। बहुत कहानियां चल रही हैं कि ये रेड लाइट एरिया बहुत जाता था यहाँ का और ये गंदी गंदे वीडियो देखता था। हाँ ये हो सकता है। संजय के बारे में ये सनसनीखेज बातें उसके उन पुराने दोस्तों ने बताई है जो उसे 26 साल से जानते हैं। दोनों दोस्तों ने एक ही बात कही है कि शराब पीने के बाद वो हैवान बन जाता था, लड़कियों के साथ छेड़खानी करता था। आरोप है कि 8 अगस्त की रात संजय ने पहले शराब पी, उसके बाद अपने मोबाइल पर पॉर्न वीडियो देखा, फिर वो अस्पताल की चौथी मंजिल पर गया जहां सेमिनार हॉल में लेडी डॉक्टर गहरी नींद में सो रही थी।